अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तैयब डी एक्स वी। आज के इस व्लॉग में हम आपको जो वर्द भाई है उसका नाइट का व्यू, स्ट्रीट का नाइट का व्यू दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ शर्फ डी जी, ये मेट्रो का स्टेशन है। तो इस जगह मौजूद मैं आपको विजिट करवाऊँगा स्ट्रीट वर्द भाई का। तो मैं बैक कैमरे से आपको थोड़ा व्यू दे दूं और कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं नाइट का टाइम काफ़ी लोग इस टाइम निकलते हैं लोग बाहर। तो ये एक सिंगलर है शरफ डी जी, मेट्रो का स्टेशन भी है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्टेशन है मेट्रो का, और ये सेम इस तरफ भी है। बाकी आपको यानी कि ये इधर चुराहा है, चारों साइड में चार एंट्रेंस है इसके। तो इस तरफ भी एक है और ये भी एक है, ऐसे चार है। तो बाकी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जो हमारा मेन वीडियो है उस तरफ चलते हैं हम। आप स्ट्रीट व्लॉग बनाना है हमें आज, तो वो आपको दिखाते हैं। इसमें से स्ट्रीट फूड और शॉप्स ऐसे करके हम दिखाएंगे। ये भी एक रेस्टोरेंट है और ये भी है, लोग इस टाइम डिनर करते हैं, खाना खाते हैं। तो काफ़ी लोग देख सकते हैं ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ये एरिया बहुत पॉइंट वाला है, यानी कि इधर मेट्रो का स्टेशन भी साथ में निकलते हैं लोग, तो फैसिलिटी भी काफ़ी है, तो इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। ये ग्रीन लैंड रेस्टोरेंट है, काफ़ी लोग इधर बैठ के खाने खाते हैं, आपने देख लिया जैसे ये। तो बाकी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये वर्द भाई है, ये मोबाइल का शॉप है, और बाकी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह मैंने आपने अगर खाना खाना है तो खाने का इस तरफ भी काफ़ी शॉप्स हैं, जो ग्रिल चिकन है वो मिल जाएगा और काफ़ी और भी चीज़ें जो आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। काफ़ी आगे जा रहा है, ये मोबाइल की शॉप्स हैं, ये भी खाने पीने के लिए शॉप है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। इधर दुबई में अगर रेस्टोरेंट की बाहर जैसे ये लोगों को बैठने के लिए जगह ना, तो ये परमिशन लेनी पड़ती है बल्दिया से, वैसे ये नहीं देते हैं। आपको दिखा दूँ ये जो एक्स्ट्रा ना, इसको भी लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है बल्दिया से, तो ऐसे ये फ्री में नहीं बैठ सकते, इसका भी मंथली पे करना पड़ता है। बाकी आपको जैसे चलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। नाइट में काफ़ी लोग निकलते हैं घूमने के लिए। तो ये पानी पूरी का शॉप है जिसे हम बोलते हैं दही बल्ले नहीं, वो इधर तो पानी पूरी बोलते हैं इंडिया वाले। गोलगप्पे बोलते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो गोलगप्पे बोले जाते हैं। काफ़ी बारिश हुई ना इसी वजह से थोड़ा पानी खड़ा हुआ। ये जो है सीधा हम कपड़े की शॉप आ गई, पूरा इस बाजार में कपड़ा मिल सकता है, पूरी कपड़े की मार्केट है ये लेडीज। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ये लेडीज़ का हर किस्म का, हर वैरायटी का कपड़ा आपको इधर से मिल जाएगा।
ये पूरा मार्केट इसी का ही है। तो सेम समय से इस जगह में भी यही है। बाकी आपको साथ साथ चलते चलते मैं दिखाते हैं। जैसे कपड़े के पूरा पूरा मार्केट ही कपड़े का। ये भी काफी प्यारा शॉप है कपड़े का, आप देख सकते हैं। और इसी तरह इस साइड में भी सेम सेम कपड़े का शॉप्स हैं। ये दो तीन स्ट्रीट है, ये पूरा कपड़े का ही है। इधर दुबई में आप देखते हैं, इधर जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इधर से आप क्रॉस करेंगे तो आपको गाड़ी भी रोक के आपको गुजरने के लिए देंगे। देख सकते हैं तो गाड़ी भी बिना आपको रोक के नहीं जाने देगी। ये कुछ शॉप्स हैं जिसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये जूबरी का, साथ में कपड़े का पूरा मार्केट जो है ना कपड़े का इस साइड में भी। एक सब्जी का शौक है। ये जो है इधर ना फलाफल फलाफल मिलते हैं दो दिनों का मंदिरम का, तो मुझे उसका शौक है। ये सेम से आपको दिखा दो, ये JD.com भी इधर ही शॉप है, ब्रांडेड शॉप है। ये फलाफिल का बात कर रहा था मैं, फलाफिल वेजिटेबल फलाफिल सैंडविच, और जैसे ये पूरा जैसे मान लिया। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये एक शॉप है उसका कपड़े का, और दूसरा ये चॉकलेट वगैरह का। बाकी देख रहे हैं आप लोग, लोग काफी मैं आपको भी आगे चल और दिखाता हूँ। ये एक लस्सी शॉप है, जैसे आपको खाना वगैरह जो भी बहुत अच्छा जूस आइसक्रीम और ग्रिल चिकन सब कुछ मिलेगा। और ये एक स्ट्रीट है, मीना बाजार।
ये देख सकते हैं, ये मीना बाजार है। यहाँ पर कुछ काफ़ी वो गोल्ड की शॉप्स भी हैं। ये गोल्ड की शॉप है, ये नानो घड़िया भी घड़ी का शॉप है। तो ये भी ऐसे करके, ये माला बार गोल्ड ऐसे करके, बाकी के एफ सी भी इधर है। और ये बाकी सब तो देख सकते हैं, बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये काफ़ी बड़ा बाजार है, इधर ज़्यादा गोल्ड है। जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चलते चलाते, तो इधर ग्रैंड सूख काफ़ी मशहूर है, ये बर्थवे का ग्रैंड सूख। तो ये इसका भी थोड़ा आपको व्यू करवाते हैं नाइट का। ये काफ़ी फेमस बाजार है। काफ़ी लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं, और नाइट का व्यू इसका थोड़ा सा दे दें। ये देख सकते हैं कपड़ा वगैरह जो आप शॉल्स वगैरह इधर से खाने पीने के जूस जो आप लेना चाहें इधर से ले सकते हैं। ये बर्द भी अबरा के पास है, अलबरा के साथ साथ ये बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा बाजार है। काफी लंबा बाजार है, तो बाकी आपको मैं इधर बोट है वो भी दिखा देता हूँ। बैग वगैरह तो इधर बोट है वो आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी लोग इधर से वन दिरहम देकर दूसरा साइड में जाते हैं, दूसरा देरा वाली साइड उधर जाते हैं काफ़ी लोग। ये देख सकते हैं ये स्टेशन है। तो बाकी आपको मैं थोड़ा सा आगे भी एक दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। और एक ये इधर बड़ा स्टेशन है, बोर्ड स्टेशन। इधर ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, SPS स्मार्ट पुलिस स्टेशन। में आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन इधर बनाया हुआ है। इधर आदमी नहीं होगा, ऐसे रोबोट होगा। तो आप अपनी कंप्लेन इधर इधर ये देख सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं जो भी आपको इशू है।
तो ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन है। अभी ये अबरा इसका नाइट का भी आप देख देख सकते हैं, लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये वांदिरम वाली है, वांदिरम देख कर आप दूसरे साइड में जा सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ व्यू है इसका नाइट का। बाकी आगे खाने पीने के लिए है, ये इधर लगाया हुआ है अपना शीशा कैफे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये बोट अभी रेस्ट में है, इधर काफ़ी बोट खड़ी हुई हैं। अपने नंबर के हिसाब से ये फिर जाती है ना, तो अभी रश नहीं है इसलिए ये रेस्ट में खड़ी हुई है। तो इस साइड में ये पूरा जो है ना आपको दिखा रहा हूँ, नाइट को लोग इधर खाने के लिए आते हैं। काफ़ी लोग इधर खाने के लिए साथ साथ में एंजॉय भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। ये कंक्रीट कार्निश पर बना हुआ, तो लोग एंजॉय भी करते हैं साथ में, हुक्का शीशा जैसे बोलते हैं वो भी पीते हैं और एंजॉय करते हैं। काफी इधर नाराशत है और खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। ओके जी, ये थी हमारी जो मैंने आपको एक शॉर्ट सा वीडियो बना के बर्दर भाई का नाइट का व्यू दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।